एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं और 12th क्लास में भी आगे चलकर के आप फिजिक्स पढ़ोगे कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या बुक ऑप्ट करनी पड़ी तो आप कौन सी बुक आप इसको इस्तेमाल करोगे बेटर फॉर योर फिजिक्स सब्जेक्ट आपका। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर बेटर कौन सा रहेगा आपका। कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है बेटा और बच्चों की। तनु, हेलो तनु, ओके कौन सा है जो स्पेक्स लगाती है वो वाली तनु है क्या बेटा? यस सर। हाँ नेहा, नेहा हेलो नेहा, नेहा वॉइस खोलो बेटा। सी यस और नो, आवाज नहीं आ रही? चलो कोई नहीं बेटा। यहाँ पे जो आज हमारे पास जो क्लास है इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसके अंदर सिर्फ हाउ टू टीच फिजिक्स कि आप किस प्रकार से फिजिक्स पढ़ेंगे और सीखेंगे फिजिक्स के बारे में, सिर्फ टोटल यही है इसके अंदर आज। और कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करेंगे हम, ठीक है, और कोई पब्लिशिंग नहीं है कि भाई हमें पर्सनली वो बुक लेनी है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल हमें प्रिस्क्राइब बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत डीपली आपको चीजें समझनी पड़ती हैं जो इजीली समझ में नहीं आती। और इससे पहले जो क्लासेज है प्रीवियस क्लासेज के अंदर आप लोगों को क्या है प्रॉब्लम आती थी कि भाई फिजिक्स पढ़े तो पढ़े कैसे, आप लोगों ने क्या किया क्रैमिंग किए, रट्टे लगाए हैं, सीधी सिंपल सी बात है। अब वो यहां पे नहीं है क्योंकि यहां पे क्या है कि फिजिक्स को हम अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं एडवांस मैथमेटिक्स कहते हैं कि जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अब उसको हम यहां क्या करेंगे एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे एडवांस फिजिक्स में। और यहां पे जो फिजिक्स होगी कभी भी थियोरेटिकल ना लेकर के एज्यूम की जाती है। अगर हम एज्यूम करके चलेंगे तो इजिली हम क्या है समझ पाएंगे चीजों को। और अगर हम थियोरेटिकल अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं थियोरेटिकल, तो हम समझ नहीं पाएंगे चीजों को और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन थियोरेटिकल हमें क्या याद रखना है कि जो हमें लॉज दे रखे हैं, कंसेप्ट दे रखे हैं, हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, जो लॉज और हमें कंसेप्ट दे रखे हैं थियोरेटिकल उसको हमें क्या करना है राइट फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके अप्लाई करना है राइट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है अर्जेंट एज पॉसिबल जो प्रूफ प्रेफर हम करेंगे फर्स्ट वो करेंगे हम यहाँ पे पहली जो बुक होगी आपके पास वो होगी एनसीईआरटी। ये बुक आपको 24 आवर्स आपके अपने पास रखनी है, जब भी क्लास होगी एनसीईआरटी आपके पास खुली होनी चाहिए क्योंकि पेज नंबर और चीजें मैं डिस्कशन करूंगा उसके अंदर। सेकंड जो आपके पास है अगर कोई बुक फॉलो करना चाहता है और अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो आप फॉलो कर सकते हो दिनेश मिलेनियम फिजिक्स है। अब सब कई बच्चे कहेंगे बेटा कि सर हमें तो प्रदीप फंडामेंटल मिल रही है, कर सकते हो मना नहीं है, ठीक है आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई बुक और प्रेफर करनी पड़ जाए थर्ड तो वो है आपके पास एसएल अरोड़ा। ये तीन बुक्स अगर आप फॉलो करते हो तो बेस्ट है और भी ज्यादा अपने आपको रिफाइन करके आना है आपको तो यू मे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एचसी वर्मा, एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की छोटी छोटी बारीकियां कहां सीखोगे आप इस बुक से सीखोगे एच सी वर्मा से और बहुत सारी अवेलेबल बुक्स। लेकिन ये अगर आप जो प्रीवियस क्लासेस में आप गलती करके आए आप ना करके यहां पे ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो ये बुक्स आप फॉलो करोगे फॉर फिजिक्स बुक के अंदर आपके पास। और ये बुक पढ़ने के बाद आप कॉम्पिटिशन लेवल के ऊपर कम्पीट कर सकते हो कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल हमारे पास जो यूनिट है यहाँ पे 10 है, ठीक है, चैप्टर 16 है टोटल हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो मेरे पास एनसीईआरटी बुक रखी हुई है उसमें 15 चैप्टर्स बता रखे हैं टोटल, कितने टोटल, और जो यूनिट्स हैं वो टोटल हमारे पास 10 है, ठीक है। इन बुक्स के अंदर एज इट इज आपके पास एनसीईआरटी आपके पास दो पार्ट में आएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले पार्ट में 8 चैप्टर्स हैं, सेकंड पार्ट के अंदर 7 चैप्टर्स हैं।
ऐसे आपके पास ये सारे के सारी बुक्स क्या आएंगे, 2 वॉल्यूम्स के अंदर आएंगे, एच सी वर्मा आपके पास, एस एल अरोड़ा और मिलेनियम। अब करना क्या है कि फिजिक्स में क्या है, आपको एक फियर है, डर रहता है कि हम कैसे क्या करें, लेकिन हेलो, अब फिजिक्स हमें पढ़ने कैसे हैं, मेन चीज तो वही है। मैं एक बार मेरे को रेज योर हैंड कि सब लोग चैप्टर जो हमारे पास है टोटल 15 है, टोटल यूनिट और टोटल चैप्टर्स, ओके हमारे पास क्या है, टोटल यूनिट 10 है, टोटल चैप्टर 15 है, ये हमें है। और जो इसके अलावा सबसे बेसिक काम क्या है हमें यहाँ पे, मैथमेटिकल टूल्स, कि जिसको हम जीरो यूनिट कहते हैं या जीरो चैप्टर कहते हैं, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, आज मैं शुरुआत ही कर रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कि जो आपके पास जीरो चैप्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, चैप्टर जीरो कहते हैं, उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि हमारी फिजिक्स में जो टॉपिक यूज होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो पहला टॉपिक होता है आपके पास, उसमें आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो टॉपिक्स कवर करेंगे, यू आर मोस्ट फेमिलियर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप फेमिलियर हो। सेकेंड जो हम यहां पढ़ेंगे, जो नहीं सुना आपने, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल मींस टू टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो थ्योरम हम पढ़ेंगे। और जो इसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो आएगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको हमेशा ही यूजफुल रहेगी और आगे भी रहेगी है, अब भी है और आगे भी, ट्वेल्थ क्लास में भी। थर्ड हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि टेंथ क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो चीज आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ा है, उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली, उसके बाद जो आपने पढ़ा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है उसके अंदर। तो ये सारे के सारे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल पढ़ने पड़ेंगे, कि स्लोप क्या होता है, लाइन इक्वेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ पे आपके पास आएगा। और जो फोर्थ है आपके पास, जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। फिफ्थ आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन, और जो सिक्स चैप्टर रहेगा आपके पास वो रहेगा लॉगरिथम। ये जो मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, आपका एक सब्जेक्ट और है जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के, कि वहां पे जो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, ये सारे चैप्टर वहां आपको दोबारा पढ़ने हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैं यहां शुरुआत करूंगा, वहां मैथ में सर शुरुआत करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज जो क्लास है कि जो हम शुरू करेंगे कल से, कब से, कल से टुमारो, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो शुरुआत करेंगे, पहला जो चैप्टर होगा हमारे पास वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का होगा आपका, कौन सा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करेंगे आपका, ठीक है। टोटल हम क्या है, ये सारे चैप्टर्स यूनिट्स पढ़ेंगे वन बाय वन, और जो बोर्ड पे जितना काम होगा वो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक के अंदर करोगे, ठीक है। और ये वीडियो भी लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं आपके, वो आप लोगों के हेल्पफुल के लिए है कि होमवर्क कैसे कंप्लीट किया जाए, जो जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज के लिए बेटा जो शुरुआत की हमने, ठीक है, और छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ आप लोगों से, पता लग गया कि कौन कौन किस किस ने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है, जैसे आपके नवीन है, तनु है, नेहा है, नेहा ने तो बताया था कि फिजिक्स आपने कैसे पढ़नी है और कैसे आपको ये आगे मूव करना है। तो कल से राइट टाइम आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा, पेन पेंसिल कॉपी के साथ आप रेडी रहेंगे, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर रहेगा वो रहेगा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, और बहुत वास्ट है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इंट्रोडक्शन में बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं, कि साइन थीटा कॉस थीटा टी रेशियोज, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं और आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उससे एडवांस ऊपर उठ करके हम सारी चीजों को क्या है यहाँ डिस्कशन करेंगे आपका। तो थैंक यू टू ऑल, ठीक है बेटा, तो कल मिलेंगे फिर दोबारा हम इसी क्लास के अंदर।